एटा में उच्च क्वालिटी का दूध, पनीर, मक्खन, सफल मटर आदि प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्थान शिव डेयरी, आइडिया ऑफिस के सामने, मेहता पार्क, एटा। प्रोवाइडर अभिषेक दीक्षित, गोलू दीक्षित। मोबाइल नंबर है 7534911084। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आप देख रहे हैं पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है। यहां मुख्यालय के रेलवे रोड स्थित इस भवन को अवैध करार देते हुए प्रशासन द्वारा ढहाया जा रहा है। यह मकान मनोज यादव का है। मनोज यादव का कहना है कि उन्होंने नगर पालिका परिषद एटा से परमिशन लेने के बाद ही यह भवन बनाया था। उन्होंने अधिशासी अधिकारी डॉक्टर दीप बांसले पर 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आइए सुनते हैं मनोज यादव की पीड़ा। एटा से शिव कुमार पाठक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें। ये जो घट तोड़ा जा रहा है, आखिर में क्या वजह है? वजह कुछ नहीं है सर, वजह ये है कि मुझसे इन्होंने सबसे पहले जब बनवाया था 6 महीने तक गड्ढा खुदा पड़ा रहा, मैंने कोई निर्माण नहीं कराया। इन्होंने कहा आपका नक्शा तैयार है, आप करा लीजिए तब निर्माण कराना। मैंने नक्शा इनसे तैयार कराया, रुपया लिए, इन्होंने तैयार करा दिया। ईओ है बासड़े जी। अच्छा, नक्शा पास कराने के पैसे लिए गए आपसे? नक्शा कराने के 20,000 इन्होंने लिए अलग से, लेखपाल ने 20,000 अलग लिए थे मुझसे, उसके बाद नक्शा पास दिया गया था। अच्छा जी, आप तोड़ क्यों रहे हैं? जब नक्शा पास हो गया तो ईओ साहब ने कह कर के अब आप अपने बनाइए, तब मैंने अपना बनाया था इसको, अपनी मेहनत का 25 लाख रुपया लोन लिया था, पूरे घर की मेहनत मैंने इसमें लगा दी। अब ये कहते हैं कि आपने अतिक्रमण कर रखा है। तो जैसा आपने बनाया है, इस पूरे का नक्शा है आपके पास? मेरे पास पूरे का पूरा नक्शा है। तो नक्शा होने के बावजूद तोड़ रहे हैं? नक्शा होने के बावजूद ये तोड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि आपने अतिक्रमण कर लिया है। ये कह रहा है कि मुझे रुपए दो 5 लाख तो मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। किसने कही ये बात? एक रवनीश है, रवनीश कुमार, और जो बनगांव का है, उसने कहा मुझे 5 लाख दे दिए। कल जब मैं मिला तो 25 लाख में पहुंच गया। फिर मैं ईओ से मिला, ईओ ने कहा कि मुझे 5 लाख रुपया दीजिए। अच्छा जी, तब बच पाएगा तुम्हारा। जबकि न कोई भी आदेश है, न कोई मेरे पास नोटिस आया है तोड़ने का, और न कभी ये कहा गया कि आपको इसको हटा लीजिए। ये साहब ने 5 लाख रुपए मांगे थे? 5 लाख रुपए मांगे थे और मैंने दिए, तब ये बन के तैयार हुआ। नक्शा पास करने के 5 लाख रुपए? नक्शा तो करके अलग लिए थे, बनवाने के अलग। मैंने अलग 5 लाख लिए। मैं नहीं बनाता इसको कभी भी किसी को।